नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मैं राकेश सहारन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा एग्जाम्स भाई एग्जामपुर में। साथियों आप सब कैसे हैं, आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल स्वस्थ और खुश हैं। तो सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, एक एक बार अपना हाल चाल बता दीजिए। सभी साथियों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जय माता दी, जय बजरंगबली। सभी बच्चे फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ भाई, क्लास का टाइम हो गया है तो गुरुजी भी लाइव आ चुके हैं भाई। ठीक है, क्लास का टाइम हो चुका है तो गुरुजी भी लाइव आ चुके हैं। ठीक है, चलिए मनीषा बहुत अच्छा हूं भाई, कुशल मंगल स्वस्थ खुश, जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। ठीक है सभी बच्चे फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ, शानदार सा सेशन आपके लिए शुरू हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आप लोग लाइव आ जाइए, मैं इस सेशन को शुरू कर देता हूं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। लखी राय बंजारा की बावड़ी हरियाणा में कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, फतेहाबाद, रोहतक। वेयर इज लखी राय बंजारा बावड़ी लोकेटेड, बताइए। शाबाश, सेक्रेट जाट, जय माता दी मेरे भाई। ठीक है, अमनदीप कौर, जय माता दी माय डियर स्टूडेंट्स, समीर, जय माता दी। सभी बच्चे फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ भी, शानदार सा सेशन आपके लिए शुरू हो चुका है। ठीक है भाई, सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। लखी राय बंजारा की बावड़ी कहां पर स्थित है, बताएंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। साथियों कुरुक्षेत्र के अंदर ईशरगढ़ गांव है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के ईशरगढ़ गांव में नेशनल हाईवे नंबर 44 के बिल्कुल पास लखी राय बंजारा की, लाडलो क्या है, बावड़ी स्थित है। लखी राय बंजारा की क्या है, बावड़ी। अगर मैं बात करूं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद के अंदर भी एक बावड़ी है जिसका नाम है टोहाना की बावड़ी। और प्यारे बच्चों इस बावड़ी का निर्माण जो करवाया था वो अनंगपाल तोमर ने करवाया था, ये याद रखिएगा। क्लियर है, लखी राय बंजारा सेम है क्या? ठीक है, लखी राय बंजारा की बावड़ी कहां स्थित है? तो ये आपकी कुरुक्षेत्र के ईसरगढ़ गांव में NH44 के पास। फतेहाबाद के अंदर कौन सी बावड़ी है? तो टोहाना के अंदर है, अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। रही बात रोहतक की, तो रोहतक में प्यारे बच्चों महम की बावड़ी स्थित है। महम की बावड़ी का निर्माण सदा कलाल ने करवाया था। महम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रुकना प्यारे बच्चों, महम की बावड़ी का निर्माण सदा कलाल ने करवाया था। लाडलो कब करवाया था ये? 1656 में, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। तो महम की बावड़ी को शाहजहां की बावड़ी भी कहते हैं, महम की बावड़ी को महम की बावड़ी भी कहते हैं, महम की बावड़ी को जानी चोर की बावड़ी भी लाडलो कहा जाता है। सारस्वती शोध संस्थान की स्थापना कब और किसने की थी? सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? वेन एंड बाय होम वॉज सरस्वती शोध संस्थान एस्टाब्लिश्ड, बताएंगे सभी बच्चे फास्टली। शाबाश भानु शर्मा, जय माता दी माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। सेशन को शेयर करते जाइए, सेशन को 300 400 500 लाइव का आंकड़ा छूने दीजिए, शेयर करते रहिए। शाबाश, सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना प्यारे बच्चों किसने की थी, कब हुई थी, ये बताएंगे। 1999, 2015, 2021, 2022, सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना प्यारे बच्चों, सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना कब होती है? सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना 1999 के अंदर होती है। ठीक है भाई, 1999 के अंदर। और 1999 में सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी? 1999 के अंदर सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना दर्शन लाल जैन ने की थी। 1999 में सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना दर्शन लाल जैन ने की थी, कब है? 1999 के अंदर। 2015 आपने आंसर दिया कुछ बच्चों ने, 2015,
प्यारे बच्चों 2015 में सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना नहीं हुई थी। 2015 के अंदर लाडलो क्या हुआ था, तो 2015 के अंदर सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना शुरू हुई थी। 2015 के अंदर प्यारे बच्चों क्या हुआ था, सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना हुई थी। ये कब हुई थी, तो ये 21 अप्रैल 2015 को हुई थी भी, याद रखिएगा। यह योजना कब शुरू हुई, तो यह योजना 21 अप्रैल 2015 को, प्यारे बच्चों उस समय के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, कंवर पाल गुज्जर। तो यह किसने शुरू की थी, विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुज्जर ने प्यारे बच्चों सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना शुरू की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी है, बताएंगे सभी बच्चे, फर्स्ट लीशाबास। बताइए, शाबाश, वेरी गुड मॉर्निंग, सच हरियाणवी फनी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। सभी बच्चे सेशन को शेयर करते रहेंगे। हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी एक पत्रिका है, बताइए शाबाश, और सेशन को शेयर कर दीजिए। हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी है, बताइए, कुकू, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सूचना और जनसंपर्क विभाग, बताइए हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी है। कुकू का मतलब समझते हो भाई आप, यहां पर ऊपर देख लेना, कुक यानी कि KUK, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी है, ठीक है, हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी है। तो अब प्यारे बच्चों इसका क्या राइट आंसर रहेगा, हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी है, तो हरियाणा रिव्यू पत्रिका है वो किसकी है भाई, तो ये हरियाणा सूचना और जनसंपर्क विभाग की है। बात आ जाए कुरुक्षेत्र की क्या है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की क्या है भी, पलाश कुंज, याद रखिएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पत्रिका क्या है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वनस्पति विभाग की पत्रिका है और इस पत्रिका का नाम है पलाश कुंज। अब बात आ जाती है हरियाणा विधानसभा की, ठीक है भाई, तो हरियाणा विधानसभा की पत्रिका कौन सी है, सदन संदेश। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका कौन सी है, हरियाणा विधानसभा की पत्रिका है सदन संदेश, क्या है भाई, सदन संदेश। अब देखिए ऑप्शन डी होता तो आपको मैं ऑप्शन डी पर भी एक नॉलेज और मिलती ना, तो एक नॉलेज आपको स्पेशल देता हूं। हरियाणा में दिव्यांगों की पत्रिका कौन सी है, ठीक है भाई, हरियाणा में दिव्यांगों की पत्रिका का क्या नाम है, हरियाणा में दिव्यांगों हेतु कौन सी पत्रिका लॉन्च की गई है, सपार्स, याद रखिएगा भैया। हरियाणा रिव्यू पत्रिका किसकी है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की, हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश, कुरुक्षेत्र की पलाश कुंज, और हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है भाई, और दिव्यांगों की पत्रिका कौन सी है, सपार्स। अगला प्रश्न भाई, हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल का गठन कब किया गया था, 8th of October 2018, 8th of October 2019, हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल, when was the हरियाणा एंटी टेररिस्ट फोर्स formed, बताइए शाबाश। सभी बच्चे फास्टली आंसर दे दीजिए भाई, ठीक है, हरियाणा आतंकवाद निरोधक बल, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका गठन कब हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे सभी बच्चे दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर। प्यारे बच्चों हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल का गठन कब हुआ था, तो हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल का गठन 8 अक्टूबर 2018 में हुआ था। हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है भाई, तो हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल का
हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल को कवच के नाम से जाना जाता है। हरियाणा आतंकवाद विरोधी बल की स्थापना या गठन 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था, याद रखिएगा। हरियाणा के राज्यपाल ने 26 जनवरी 2022 को किस जिले के अंदर झंडा फहराया था? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, भी खाली अकेला 15 अगस्त का ही नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है 26 जनवरी का, ठीक है? बताइए शाबाश, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की झड़ी लगा दूंगा आपके लिए आज, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पंचकुला। लाडलो याद रखिएगा, बात अगर 26 जनवरी की हो ना, तो 26 जनवरी को गवर्नर ऑफ हरियाणा ने, ठीक है भाई, जो गवर्नर ऑफ हरियाणा है, हरियाणा के राज्यपाल ने, गवर्नर ऑफ हरियाणा ने, हरियाणा के राज्यपाल ने झंडा कहां पर फहराया था, तिरंगा कहां पर फहराया था भाई? तो पंचकुला के अंदर। और अगर बात आ जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तिरंगा कहां पर फहराया था, तो मुख्यमंत्री जी ने तिरंगा फहराया था अंबाला के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने तिरंगा कहां पर फहराया था प्यारे बच्चों? तो मुख्यमंत्री ने अंबाला में। अगर बात आ जाए उप मुख्यमंत्री की, तो उप मुख्यमंत्री ने 26 जनवरी पर तिरंगा कहां पर फहराया था? जींद में। बात आ जाए भाई 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को राज्यपाल जी ने तिरंगा फहराया था अंबाला में, मुख्यमंत्री जी ने तिरंगा फहराया था समालखा में, उप मुख्यमंत्री जी ने तिरंगा फहराया था बहादुरगढ़ के अंदर। देखो भाई, क्वेश्चन 15 अगस्त से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 26 जनवरी से भी पूछा जा सकता है। 26 जनवरी को राज्यपाल जी ने कहां पर, पंचकुला में, और 15 अगस्त को अंबाला में। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने अंबाला में, और 15 अगस्त को समालखा में। उप मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को जींद में, उप मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को बहादुरगढ़ के अंदर तिरंगा फहराया था। इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन आ ही नहीं सकता पेपर के अंदर, गारंटी है मेरी। बताइए, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के विजय रथ की झांकी से राजपथ पर राज्य का गौरव बढ़ेगा, यह झांकी किससे संबंधित है? 26 जनवरी को यह गौरव बढ़ चुका है, भी बढ़ेगा नहीं, बढ़ चुका। यह झांकी किससे संबंधित थी, बताएंगे सभी बच्चे, बताइए शाबाश। क्या रहेगा दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या आएगा प्यारे बच्चों? डी, बिल्कुल सही। गणतंत्र दिवस के मौके पर विजय रथ की झांकी से राजपथ, जिसका नाम बदल करके प्यारे बच्चों क्या किया जा चुका है, कर्तव्य पथ किया जा चुका है, ठीक है? कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी के मौके पर जो हमारी झांकी थी, यह झांकी किससे संबंधित थी? हरियाणा खेलों में नंबर वन से, किससे? हरियाणा खेलों में नंबर वन से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा की रतन लाल को विश्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है भाई, बता दीजिए शाबाश। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन है भाई? हरियाणा के रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है भाई? राजघाट का नहीं, रोकी राही, राजपथ का, ठीक है प्यारे बच्चों? हरियाणा के रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हरियाणा के रतनलाल को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, तो रतनलाल जी का जन्म प्यारे बच्चों जो है ना, कहां पर हुआ था? ये कैथल ही इसका आंसर है भाई। अच्छा, इसीलिए हंस रहे हो क्या? बोला जी कैथली कौन सा जिला है,
देखो कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, देखो ऊपर सही लिखा हुआ है। सुनो भाई, किसी भी प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक के बारे में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद की स्थिति में इंग्लिश वर्ड मान्य होंगे, ऐसा एग्जाम में लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, तो यहां भी इंग्लिश को मान्य कर लो यार, क्यों हंस रहे हो इतना, है ना। तो क्या रहेगा कैथल, एनआईटी कुरुक्षेत्रा के नए डायरेक्टर निदेशक कौन बने हैं, बताएंगे सभी बच्चे, शाबाश। एनआईटी कुरुक्षेत्र के नए डायरेक्टर नए निदेशक कौन बने हैं बताइए, डी आर बीवी रमन रेड्डी, रमेश कुमार, बालाकृष्ण रेड्डी, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, बताइए शाबाश। हार्टलेस मोनू, ई बुक में कोई एरर नहीं है, अगर आपको कहीं कोई एरर नजर आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, विद इन 5 मिनट्स ई बुक का एरर दूर किया जाएगा, विद इन 5 मिनट्स, इससे फास्ट सर्विस नहीं हो सकती भाई, ठीक है। बताइए निशा, इस क्लास के तुरंत बाद क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एनआईटी कुरुक्षेत्र के नए निदेशक प्यारे बच्चों कौन हैं, ठीक है, तो कौन बने भाई, बीवी रमन रेड्डी, डॉक्टर बीवी रमन रेड्डी। प्यारे बच्चों बात आ जाती है एनआईटी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, तो एक 1963 के अंदर एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज, एज ए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं था, राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी दीनबंधु छोटू राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो आज बन चुका है ना वो था, तो एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में एनआईटी कुरुक्षेत्र की स्थापना 1963 के अंदर हुई थी। आगे चल करके क्या होता है, वर्ष 2002 के अंदर क्या किया गया था प्यारे बच्चों, इसे एनआईटी का दर्जा दे दिया गया था, क्या दर्जा, एनआईटी का दर्जा। भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है, लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया, चेन्नई, गुरुग्राम, मुंबई, जबलपुर, बता दीजिए शाबाश। हार्टलेस मोनू, जहां भी आपको दिक्कत लग रही है वही आप मुझे तुरंत बता दीजिए, ठीक है, रुकिएगा एक बार बच्चों, बताइएगा इसका आंसर आप लोग, बताइए शाबाश। भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहां पर लगा है, तो प्यारे बच्चों कहां पर लगा है, गुरुग्राम के अंदर, और इसके अंदर साथियों एक नहीं, दो नहीं, 10, 20 नहीं, 50 नहीं, पूरे 100 चार्जिंग पॉइंट हैं। इसके अंदर पूरे कितने चार्जिंग पॉइंट हैं, तो इसके अंदर पूरे 100 चार्जिंग पॉइंट हैं, और इसकी स्थापना मान लो या इसका उद्घाटन मान लो भी लाडलो कब किया गया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 2022 को। कब किया गया था उद्घाटन, 28 जनवरी 2022 को भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया था भाई, गुरुग्राम के अंदर किया गया था, कहां पर किया गया था, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित पूजा शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं, गुरुग्राम, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित पूजा शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं, बताइए शाबाश। बताइए शाबाश, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूजा शर्मा, बहन पूजा शर्मा हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं भाई, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित बहन पूजा शर्मा गुरुग्राम से संबंधित हैं। साथियों याद रखिएगा, जो ये पुरस्कार 2021 का दिखा रहा है ना, यहां 2020 के लिए 14 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था, 2021 हेतु भी 14 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था,
टोटल 28 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 हेतु सम्मानित किया गया था। कब? 8 मार्च 2022 को। कब सम्मानित किया गया था लाडलो? 8 मार्च 2022 को सम्मानित किया गया था 28 महिलाओं को 2020 और 2021 हेतु। 8 मार्च 2022 को किसने सम्मानित किया था? तो तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ जी कोविंद ने सम्मानित किया था। इसमें हरियाणा से एक थी भाई, इनका नाम है पूजा शर्मा, ठीक है, गुरुग्राम से। अपार, बताइए, शाबाश। एक मिनट भाई, इसको मैं वो कर देता हूं, है ना, सभी बच्चे फटाफट आंसर देंगे भाई, ठीक है ना। अपर भद्रा योजना, जो ये आपको भड्डा जैसा लिखा हुआ मिल रहा है ना, इसको भद्रा में बदल लो भाई, ठीक है। अपर भद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? बता दो शाबाश। अपर भद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बताएंगे। अपर भद्रा योजना किस राज्य से संबंधित एक योजना है? नोबिता, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चे सेशन को शेयर करते जाएंगे भाई। अपर भद्रा योजना प्यारे बच्चों केरल से है, कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से है या तमिलनाडु से है? तो अपर भद्रा योजना किस राज्य से है? कर्नाटक से। क्लियर अभी। वन ओशियन समिट 2022 किस देश के अंदर आयोजित किया गया? बताएंगे सभी बच्चे अभी। फास्टली, फ्रांस, जापान, रूस, यूएसए, बताइए। वन ओशियन समिट 2022 से किसे सम्मानित किया गया? वो सॉरी, किस देश में आयोजित किया गया? सम्मानित मतलब पुरस्कार वाला ही माइंड में चला था ना। वन ओशियन समिट 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? बताइए शाबाश। अंजू जांगड़ा, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू। विजय भाव, ठीक है, बताइए शाबाश। वन ओशन समिट 2022 किस देश के अंदर प्यारे बच्चों क्या किया गया भाई? आयोजित किया गया, ठीक है। कहां पर आयोजित हुआ था भाई? फ्रांस के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ था? फ्रांस के अंदर। वन ओशन समिट 2022 किस देश के अंदर आयोजित हुआ था? फ्रांस के अंदर। और प्यारे बच्चों कब आयोजित हुआ था? 9 से 11 फरवरी, ठीक है भाई। 9 से 11 फरवरी को यह क्या है? आयोजित किया गया था यूएन, यूनाइटेड नेशन प्लस वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यह आयोजित हुआ था। पर कुछ महानुभावों को तो याद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 से 11 फरवरी के दौरान तो इनका वो दूसरा सप्ताह चलता है ना, दूसरा सप्ताह चलता है इनका आस्की वाला, है ना, तो नहीं पता होगा कुछ महानुभावों को। तो भारत में अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? ठीक है भाई, पहले कहते थे ना, बोला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो भाई एक चीज याद रखना, दुल्हनिया कोई दिल वाले और कोई रंग वाले नहीं लेकर जाएंगे, दुल्हनिया लेकर जाएंगे सरकारी नौकरी वाले, ठीक है। सरकारी नौकरी वाले क्या करेंगे? दुल्हनिया लेकर जाएंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बताइए शाबाश। भारत में अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ठीक है भाई, बताइए शाबाश। तो कहां पर स्थापित किया जाएगा प्यारे बच्चों? ठीक है नोविता, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। कहां पर स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में, ठीक है भाई। कहां पर? दिल्ली में। भारत में अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का रीजनल सेंटर और नवाचार केंद्र इनोवेशन सेंटर प्यारे बच्चों कहां पर स्थापित होगा? तो कहां पर होगा भाई? दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसके लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए केंद्रीय संचार मंत्री तत्कालीन, ठीक है भाई, केंद्रीय तत्कालीन संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने, अश्विन वैष्णव के साथ आईटी के आईटीयू के महासचिव यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ठीक है भाई, लिखा होगा कहीं टेली कम्युनिकेशन यूनियन, लिखा है ना, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के
किसके? आईटीयू के। क्या? महासचिव। जो समझौता पत्र है उस पर दो लोगों ने हस्ताक्षर किए, भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए, भारत के तत्कालीन दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने, और इसी के साथ आईटीयू के महासचिव थे हाउलिन झाओ। ठीक है भाई, क्या नाम था इनका? हाउलिन झाओ। जो पेपर के अंदर सबसे बुंडा नाम दिख जाए ना, सबसे अजीब सा नाम, जिसको बागड़ी भाषा में बुंडा बोलते हैं, ठीक है, तो ये नाम दिख जाए उस पर टिक कर देना भैया, आंसर सही हो जाएगा, हाउलिन झाओ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हेलीकॉप्टर भारत द्वारा मॉरिशस को निर्यात किया जाएगा? बता दीजिए, शाबाश। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी भी हमारी कि हम कोई रक्षा उपकरण इतने ज्यादा भी बना रहे हैं कि हम उसको निर्यात भी कर रहे हैं। बताइए, शाबाश। हाल ही में कौन सा हेलीकॉप्टर भारत द्वारा मॉरिशस को निर्यात किए जाने की स्थापना हुई? तो प्यारे बच्चों, कौन सा उन्नत, कौन सा हेलीकॉप्टर भारत द्वारा मॉरिशस को निर्यात किया जाएगा? तो उन्नत हेलीकॉप्टर भारत द्वारा क्या किया जाएगा भाई? उन मॉरिशस को क्या किया जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का और मॉरिशस सरकार के का इसके लिए समझौता हुआ है। ठीक है भाई, हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी? पतंजलि, हिमालय, डाबर इंडिया, बताइए, शाबाश। बड़ी गजब की टक्कर होती है आप लोगों के बीच तुक्के मारने के लिए, है ना। चलिए मुकेश कुमार, आपकी बात पर तुरंत प्रभाव से गौर किया गया है, अब डार्क ही लिखा जाएगा। ठीक है, अभी डार्क ही लिखा जाएगा भाई, बताएं, शाबाश। ठीक है ना, बता दीजिए, शाबाश, क्या रहेगा? आज सुबह क्लास हुई थी प्रवीण मॉर्निंग वाली करंट अफेयर की, ठीक है, अब बताओ इसका क्या राइट आंसर रहेगा। कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है? बिल्कुल सही आंसर उन बच्चों का है जिन्होंने आंसर दिया है डाबर इंडिया। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर इंडिया। कैबिनेट ने अवैध रूपांतरण रोकथाम विधेयक को कब मंजूरी दी? बताएंगे सभी बच्चे, है ना, ये रूपांतरण नहीं था भाई, यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए रुकिए, मैं अभी इसको करेक्शन कर देता हूं। प्यारे बच्चों, हरियाणा अवैध धर्मांतरण, ठीक है भाई, हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, ठीक है भाई, धर्म परिवर्तन कोई अवैध रूप से होता है उसके लिए, ठीक है भाई, हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की गई थी? कैबिनेट ने हरियाणा अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को मंजूरी 8 फरवरी 2022 को दी थी। याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां बनेगा बल्क ड्रग्स पार्क? बता दीजिए, हरियाणा में किस स्थान पर बल्क ड्रग्स पार्क बनने जा रहा है? ठीक है भाई, बताइए, नलायको सेशन तो तुम लोगों से शेयर होता नहीं है, फिर कहते हो कि सर मतलब हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, क्या करते हो तुम लोग, सेशन तक शेयर नहीं होता आप लोगों से। अभी तक क्लास के अंदर 300 बच्चा आ जाना चाहिए था अगर सेशन को शेयर करते तो, लेकिन शेयर ही नहीं करते, क्या करें भाई। हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहां बनेगा? बता दीजिए, शाबाश, बता दीजिए। तो हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क लाडलो कहां पर बनने जा रहा है? हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क पानीपत के अंदर बनने जा रहा है। हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहां पर, हेलो,
प्यारे बच्चों हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क कहां पर बनेगा? पानीपत में। अब क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में मेडिकल, ठीक है भाई, मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनेगा? हरियाणा में मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर बनेगा? तो ये करनाल के अंदर बनेगा भाई मेडिकल डिवाइस पार्क। हाल ही में RH725 चर्चा में रहा, यह किस प्रकार की फसल है? गेहूं, बाजरा, सरसों, चावल, मक्का, ज्वार, बताओ भाई किस प्रकार की फसल है? निशा किसके पेपर का टाइम पूछ रहे हो? बताइए प्यारे बच्चों, हाल ही में चर्चा में रहा RH725 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा RH725 सरसों की एक किस्म है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि RH725 को विकसित किया था HAU ने। हाल ही में चर्चा में रहा RH725 क्यों चर्चा में रहा? ये क्या है? ये सरसों की फसल है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसे डेवलप किसी समय किया था वो HAU ने किया था। अब HAU ने विकसित किया है तो उसकी प्रोडक्शन की जो अथॉरिटी है वो किसके पास रहेगी? HAU के पास। लेकिन हाल ही में HAU ने राजस्थान की एक प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी, राजस्थान की एक निजी कंपनी थी भी, राजस्थान ग्रीन स्पेस एग्रीकल्चर लिमिटेड को इसकी स्वीकृति दी, ठीक है। इसीलिए लाडलो ये क्या थी? चर्चा के अंदर रही थी। हरियाणा में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां बनाया जाएगा? हिसार, करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बता दो शाबाश। हरियाणा में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां बनाया जाएगा? हिसार, करनाल, गुरुग्राम, चंडीगढ़। दिनेश ठाकुर प्रणाम मेरे भाई, जय माता दी, माता रानी आप सभी के सपनों को जल्द से जल्द साकार करे भाई, ठीक है। बताइए शाबाश क्या रहेगा इसका राइट आंसर? हरियाणा में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर बनने वाला है? बताइए शाबाश क्या रहेगा दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है भाई। तो हरियाणा का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां बनाया जाएगा? हरियाणा का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर बाछोद हवाई पट्टी है, यहां पर बनेगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां बनेगा? महेंद्रगढ़ में। कहां पर? बाछोद में। बाछोद स्थित फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में? महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन पूछा जाए बाछोद फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कुल कितनी सीटें हैं? तो बाछोद स्थित है हरियाणा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कुल 100 सीटें हैं। प्यारे बच्चों कुल कितनी सीटें हैं? कुल 100 सीटें हैं। 100 में से 50% सीटें हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्व हैं, बाकी 50 पर जनरल फाइट होगी, बाहर वाले भी, अंदर वाले भी, भीतर वाले भी। सरस्वती पाठ्यक्रम समिति, सरस्वती सिलेबस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जसवीर सिंह, हिम्मत सिंह, प्रीतम सिंह। कर लो भाई हिम्मत आंसर देने की सभी बच्चे। बताइए शाबाश। नालायको एकदम मतलब रिंग रिंग के, रैंग रैंग के, टसक टसक के 200 तक पहुंचे हो और अभी तक सेशन चला जाना चाहिए था 350 पर, कितना लेट चले हो अब देख लो। जो बच्चे लेट आ रहे हैं बहुत नुकसान कर रहे हैं अभी अपना, है ना। सभी का आंसर एक ही आ रहा है, जसवीर सिंह, और कोई कोई बच्चा बता रहा है हिम्मत करके, हिम्मत सिंह, लेकिन जसवीर सिंह भी गलत है और हिम्मत वालों की हिम्मत भी गलत है। ये भाई प्रीतम सिंह जी बाजी मार गए यहां पर। प्यारे बच्चों हाल ही में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है क्या कि कक्षा 6 से 12 तक क्या दिखाया जाएगा भाई, क्या पढ़ाया जाएगा? सरस्वती नदी का इतिहास।
ठीक है भाई साथियों, याद रखिएगा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सरस्वती नदी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उसका सिलेबस क्या हो, छठी क्लास में क्या पढ़ाएं, सातवीं में क्या पढ़ाएं, दसवीं में क्या पढ़ाएं, बारहवीं में क्या पढ़ाएं, इसके लिए एक पाठ्यक्रम समिति, एक सिलेबस कमेटी जो है ना स्थापित की गई है, जो इसका अलग अलग ईयर के हिसाब से सिलेबस निर्धारित करेगी। और इस समिति के अंदर कुल 11 तो हैं भाई सदस्य, इस समिति के अंदर कितने सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं। और इन 11 सदस्यों में से अध्यक्ष कौन है, प्रीतम सिंह। ये तो है भाई सरस्वती नदी के इतिहास की बात। अब बात आ जाती है कि गीता के श्लोक किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है भाई, गीता के श्लोक किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाए जाएंगे, तो गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे भाई पांचवीं से सातवीं तक। ठीक है भाई, पांचवीं से सातवीं तक गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाता है अगला क्वेश्चन। मानव संसाधन गो सेवा आयोग अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था। साथियों, मेरे सामने चप्पलें हवा में लहराई जा रही हैं, इरादा क्या है पता नहीं, चप्पलें मुझे दिखाई जा रही हैं। ठीक है, मानव संसाधन गो सेवा आयोग अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था, 2010, 2015, 2017, 2021। ठीक है, बताइए शाबाश, क्या रहेगा दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर। हरियाणा गो सेवा आयोग अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था, बताइए शाबाश। 2011, 2010, 2015, 2017, 2021। ठीक है भाई, बताइए शाबाश। हरियाणा गो सेवा आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, देखो मानव संसाधन गो सेवा आयोग कर लिखा है क्या यहां पर, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो भाई, सुनो सभी बच्चे ध्यान से सुनो। हरियाणा गो सेवा आयोग अधिनियम जो है ना प्यारे बच्चों, ये कब अधिनियमित किया गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा 2010। हरियाणा गो सेवा आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, तो प्यारे बच्चों हरियाणा गो सेवा आयोग एक्ट जो है ना ये 2010 के अंदर, और उस समय जो स्वीकृति दी थी वो हरियाणा के राज्यपाल ने दी थी। और 2010 के अंदर हरियाणा के राज्यपाल कौन थे प्यारे बच्चों, तो 2010 के अंदर हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया थे। याद रखिएगा, हरियाणा गो सेवा आयोग अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था 2010 में, स्वीकृति किन्होंने दी थी, जगन्नाथ पहाड़िया ने क्या किया था भाई, स्वीकृति दी थी। कब स्वीकृति दी थी, तो 23 नवंबर 2010 को। अब आ जाती है हरियाणा गो सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो हरियाणा गो सेवा आयोग की स्थापना हुई थी ना वो 2015 में हुई थी, ये सही है, लेकिन आपने सीधा 2015 दिया वो गलत है। ठीक है भाई, हरियाणा पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं, हरियाणा पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं, हरियाणा पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक धीरा खंडेलवाल, दीपक राय बब्बर, अतुल यादव। हरियाणा पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए शाबाश, और एक एक बार सेशन को शेयर भी कर दो सभी बच्चे। ठीक है भाई, हरियाणा अतीत से वर्तमान तक, पास्ट टू प्रेजेंट यानी कि अतीत से वर्तमान तक, प्यारे बच्चों इसके लेखक कौन हैं, सभी बच्चों का धीरा खंडेल वाला आंसर आ रहा है जो कि सिरे से गलत है। ठीक है भाई, हरियाणा अतीत से वर्तमान तक, हरियाणा पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है, अतुल यादव। धीरा खंडेलवाल ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, धीरा खंडेलवाल ने लिखी है मेघ मेखला, मेघ मेखला धीरा खंडेलवाल की पुस्तक है। रेशमी रशिया ये पुस्तक किसकी है भाई, धीरा खंडेलवाल की ये पुस्तक है, क्या है, धीरा खंडेलवाल की पुस्तक है।
तो ये क्या है, ये भी किसकी है, रश्मि रेशमी रशिया, किसकी है, धीरा खंडेलवाल की, बर्ड्स ऑफ वसई वेटलैंड दीपक राय बब्बर की, ठीक है भाई, बर्ड्स ऑफ बसई वेटलैंड, साथियों बसई आर्द्र भूमि है जो कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है, ठीक है भाई, बर्ड्स ऑफ बसई, बसई वेटलैंड, बसई आर्द्र भूमि के पक्षी नामक पुस्तक किसकी है, दीपक राय बब्बर की, मेघ मेखला रेशमी रशिया किसकी है, धीरा खंडेलवाल की, और हरियाणा अतीत से वर्तमान तक पुस्तक किसकी है, अतुल यादव की, क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी, महिला न्यायाधीशों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, बताइए, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वीमन जज ऑब्जर्व, बताइए, शाबाश, बताइए शाबाश। गरिमा पंचाल आपकी बुक में नहीं है इसीलिए तो मैंने पढ़ाया है, आपकी बुक में होते तो मैं किस लिए पढ़ाता। महिला जजों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, महिला न्यायाधीशों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 के अंदर मनाया गया है, कब मनाया गया था, 10 मार्च 2022 को महिला न्यायाधीशों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, लाडलो याद रखिएगा, महिला न्यायाधीशों का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस 10 मार्च 2022 को मनाया गया है, पक्का डेफिनेटली 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट भाई, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, बताओ शाबाश, 3 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च, 10 अप्रैल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइए शाबाश, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, देशी फुकरे सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। भानु शर्मा थैंक यू सो मच, सेशन को शेयर कर दो सभी बच्चे, 300 लाइव वाचिंग तो आज की क्लास में एनी हाउ चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है, सभी बच्चे सेशन को शेयर करो भाई, 300 तक तो क्लास को लेकर जाओ नलायको, बताइए। तो प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 1st ऑफ मार्च, 1st ऑफ फरवरी, 1st ऑफ जनवरी, 1st ऑफ अप्रैल, बता दीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ठीक है भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बता देना। रमन सिद्धु आज आज और अभी आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, लक्ष्य बैच, आपके लिए लक्ष्य बैच से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। और साथियों हमारी क्लास ठीक 11 बजे शुरू हुई थी और ठीक 1 बजे तक चलेगी, 2 घंटे, आज का जो स्पेशल सेशन है वो 2 घंटे का है, कोई बच्चा बीच में मत भागना, कहीं कोई मैं आपको बीच में छोटी सी जानकारी देने लगूं और आप फुर हो जाओ, ऐसा मत कर देना नालायको। 1 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 1 मार्च 2022 को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था, सतत भविष्य के लिए विज्ञान, सतत भविष्य के लिए, सतत भविष्य के लिए विज्ञान, सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है भाई, एकीकृत दृष्टिकोण, सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया गया, बताओ भाई कब मनाया गया, 12 से 18 जनवरी, 22 से 28 जनवरी,
12 से 18 फरवरी, 22 से 28 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह, ठीक है, बताइए, शाबाश। क्लासेज सभी लगेंगी, धीरे धीरे सभी क्लासेज का नंबर आएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह प्यारे बच्चों कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया गया था। साथियों एक छोटी सी जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। प्यारे बच्चों एग्जामपुर परिवार का, एग्जामपुर परिवार 9 मिलियन कंप्लीट होने की खुशी में 9 मिलियन का सेलिब्रेशन, साथ ही साथ नवरात्रों के पावन पर्व के त्योहार पर आपको बहुत ही शानदार ऑफर दिया जा रहा है। दरअसल क्या है साथियों, 9 मिलियन का परिवार कंप्लीट हुआ है तो हम अकेले ही सेलिब्रेट क्यों करें, आप भी तो इस परिवार का हिस्सा है तो सभी मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं। तो 9 मिलियन सेलिब्रेशन स्पेशल ऑफर प्लस माता रानी के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो उस इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपको बहुत ही दमदार ऑफर दिया हुआ है भी साथियों। एग्जामपुर के हर कोर्स के ऊपर आपको फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है। और साथियों एक जरूरी बात बता दूं, ये ऑफर केवल 27 सितंबर रात 12 बजे तक, यानी कि आज रात 12 बजे तक है साथियों, महज 12 घंटे टोटल है, बाकी है 12 घंटे 9 मिनट बाकी हैं। अगर कोई बच्चा कोफर नहीं, कोर्स नहीं लिया अगर किसी बच्चे ने, तो अभी डाउनलोड कीजिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। और अभी सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, यह कोर्स अभी तुरंत ले लीजिए, हर एक कोर्स पर 75% प्यारे बच्चों क्या है, ऑफ है, ठीक है। चलिए यहां पर पहुंचते हैं, इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए शाबाश। इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक कौन है, क्या पूछ रहे हैं आप है? स्वीटी सोनी 28 फेब भी तो मैंने बताया है। स्वीटी सोनी आप कह रहे हैं कि स्वीटी सोनी ने कहा कि सर नेशनल साइंस डे, तो मैंने नेशनल साइंस डे क्या बताया भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ करना साथियों ये बड़ी भारी भूल हो गई भाई, ठीक है। नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। स्वीटी सोनी आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, स्वीटी सोनी आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। सभी बच्चे तुरंत अभी करेक्शन कर लीजिए, सभी बच्चे तुरंत अभी करेक्शन कर लीजिए प्यारे बच्चों। जल्दबाजी में मैंने देखा ही नहीं, मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं था के 28 फरवरी ऑप्शन में नहीं है, मैंने यहां पर करेक्शन करनी है, मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मैंने 1 मार्च टिक किया और आगे चलता बना, जबकि दरअसल साथियों मेरा ध्यान जो है ना वो यहां पर था। थीम बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस बार का हमारा थीम था, वो भूल रही भाई, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, मेरी गलती हुई है, मेरा लूज पॉइंट है, मैं इसे तुरंत स्वीकार करता हूं, अपनी गलती स्वीकार करते हुए करेक्शन करता हूं। दरअसल मैंने ध्यान ही नहीं दिया था भाई 1 मार्च लिखा हुआ है या 28 फरवरी लिखा हुआ है, तो साथियों बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। स्वीटी सोनी बधाई के पात्र हैं बेटा आप। इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक कौन है बता दीजिए शाबाश। तो इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर, इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक हैं
जय साई दीपक, कौन है भाई? जय साई दीपक इस पुस्तक के लेखक। महात्मा गांधी नरेगा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है बता दीजिए। ऑफिसर साहब आपको जल्दी है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये कोई ऑफिसर साहब आए हैं अभी क्लास में, इनको बता दो ऑफिसर साहब आपको अगर जल्दी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सभी विद्यार्थियों के लेवल के हिसाब से करवा रहा हूं क्वेश्चंस भी, और क्वेश्चंस के साथ उनकी डिटेल भी, जो जिस हिसाब से मुझे चलना चाहिए और जिस हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, जिस हिसाब से मेरे प्रिय विद्यार्थियों को समझ आ रहा है और जिस हिसाब से मुझे चलना चाहिए, उस स्पीड से चल रहा हूं, उस स्पीड से करवा रहा हूं। ठीक है, आपको अगर ज्यादा जल्दी है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। चार क्वेश्चन आपके आगे स्पीड से निकाल दूं तो बाकी बच्चों का नुकसान हो जाता है, इसीलिए तो मेरे भाई माफ करना, आपकी जल्दी में मैं अपने प्यारे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों कौन सी ऐप थी? तो ये थी लोकपाल ऐप। कौन सी ऐप थी? महात्मा गांधी नरेगा के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई? लोकपाल ऐप। और यह लॉन्च किन्होंने की? तो यह लॉन्च की केंद्रीय मंत्री, क्या नाम था भी इनका? गिरिराज सिंह। ठीक है, क्या नाम था प्यारे बच्चों इनका? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी नाम था। इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की, तो कौन सी भी इन्होंने की थी? गिरिराज सिंह ने। कौन सी? लोकपाल ऐप। क्वेश्चन नंबर 29, नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण कब किया गया बताइए। शाबाश, बताइए शाबाश। और अगर कोई बच्चा चाय पीना चाहता है तो भाई वेलकम, आइए चाय का आनंद लीजिए। ऑफिसर मेरे भाई स्पीड बिल्कुल सही है, चीजें समझ आनी चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो मतलब बहुत ज्यादा स्पीड होती तो मैं आपके कमेंट भी नहीं देख पाता और आपको साइंस वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता आपका। ठीक है, अब आपको ये याद ही नहीं होगा नई हाइड्रोजन नीति का अनावरण कब किया गया, क्वेश्चन करवा दूंगा 50, फायदा क्या होगा? टोटल का टोटल लॉस है, इससे अच्छा 40 क्वेश्चन होंगे, याद तो होंगे कम से कम। तो नई हरित हाइड्रोजन नीति का अनावरण प्यारे बच्चों कब किया गया? ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों कब किया गया? 17 फरवरी को। ठीक है भाई, कब किया गया? 17 फरवरी 2022 को। साथियों इसके अंदर क्या है, इस नीति के अंदर कोई भी हरित हाइड्रोजन या अमोनिया का उत्पादक है, ठीक है, कोई भी अगर हरित हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादक है तो उसको 25 वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय शुल्क जो है ना उसके अंदर क्या किया जाएगा, छूट दी जाएगी इस नीति के तहत। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पंजीरी का पौधा नहीं है? ठीक है भाई, क्वेश्चन में कहीं कोई गलत तो चीज तो नहीं होगी। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर पंजीरी का पौधा, पंजीरी पौधे के से अगर समझ ना आए तो यहां से देख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट हैव पंजीरी प्लांट। निम्न में से किस स्थान पर पंजीरी प्लांट नहीं है, किस स्थान पर पंजीरी का पौधा नहीं है बताइए। शाबाश, बताएंगे सभी बच्चे क्या रहेगा दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए, निम्न में से किस स्थान पर पंजीरी का पौधा नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से किस स्थान पर भाई? कलायत के अंदर। इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाला अपने आप सही माना जाएगा अगर इंग्लिश का वर्जन सही है तो। प्यारे बच्चों बाकी सभी स्थान पर पंजीरी प्लांट है लेकिन कलायत के अंदर नहीं है। कलायत के अंदर प्यारे बच्चों ये स्थापित हो रहा है। कलायत के अंदर क्या हो रहा है?
कलायत के अंदर स्थापित हो रहा है। राज्य का पहला ई साक्षर गांव कौन सा बना है? चकजालू, लुदेशर। ठीक है भाई, यार ये बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक आ रही है आज तो। राज्य का पहला ई साक्षर गांव कौन सा बना है? बताएंगे चकजालू, तलवंडी, कौन सा गांव है इनमें से? पंजीरी क्या होती है सर? पंजीरी बताऊंगा क्या होती है। ठीक है साथियों, पंजीरी, चलो एक बार पंजीरी वाले पॉइंट पर आते हैं। पंजीरी क्या होती है? पंजीरी एक खाद्य और एक पौष्टिक पदार्थ है। पंजीरी एक पौष्टिक पदार्थ है, ठीक है। पंजीरी देखो ये पौधा है ना, ये पौधा यहां पर गलत है, यहां पर भी प्लांट ही आएगा। ठीक है, यहां पर भी प्लांट ही आएगा। देखिए मैंने आपको कहा था भी यहां से देख लेना, पौधे वाले को मत देखना। पंजीरी एक खाद्य पदार्थ है और यह खाद्य पदार्थ आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है ताकि पौष्टिक पदार्थों की पूर्ति पूरी की जा सके। पंजीरी क्या है? पंजीरी एक पौष्टिक, प्यारे बच्चों क्या है? भोजन है, जो कि क्या है? एक पौष्टिक पदार्थ है जो कि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को दिया जाता है भी। राज्य का पहला ई साक्षर गांव प्यारे बच्चों कौन सा बना है? ठीक है, तो राज्य का पहला ई साक्षर गांव तलवंडी बना है, जो कि इसार जिले का गांव है, जिसका नाम है तलवंडी राणा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए ना, हरियाणा का पहला, नालाय को मेरी चाय ठंडी करवाओगे आप, हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन कौन सा गांव बना है? तो हरियाणा का पहला ऑक्सीजन के रूप में विकसित यह गांव, यह क्या है? यह भी तलवंडी राणा ही है। ठीक है साथियों, हिसार जिले के अंदर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके बिल्कुल साथ में सटा हुआ गांव है ये। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक, सबसे नजदीक गांव है तलवंडी राणा। ठीक है भाई, हरियाणा बिजनेस स्कूल कहां पर स्थित है बताओ? शाबाश, बताइए शाबाश। हरियाणा बिजनेस स्कूल, देखो भाई यहां पर आपके साथ मजाक होने वाला है। आप लोगों ने देख लिया भी बिजनेस आ गया तो इसका मतलब गुरुग्राम आंसर आएगा। कहां है अभी गुरुग्राम? गुरुग्राम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है अभी, गुरुग्राम गलत है। ठीक है, काफी बच्चों के मैंने कमेंट देखे हैं, बोला जी बिजनेस आ गया तो गुरुग्राम ही आएगा। ये आपके साथ हो गया अभी मजाक। ठीक है, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस या हरियाणा बिजनेस स्कूल प्यारे बच्चों कहां पर है? तो हरियाणा बिजनेस स्कूल हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर, जीजेयू के अंदर है। हरियाणा बिजनेस स्कूल कहां पर है? हिसार में। हिसार में कहां पर भाई? जीजेयू के अंदर प्यारे बच्चों क्या है? यह स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इसके द्वारा ना 10-11 फरवरी को देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है ये। हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस कहां पर है? हिसार में। हिसार में कहां पर? जीजेयू में। ये इंपोर्टेंट क्यों बन गया? क्योंकि 10 और 11 फरवरी 2022 को इसने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। ये इंपोर्टेंट क्यों बन गया? क्योंकि 10-11 फरवरी को इसने एक क्या किया था भाई? एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, इसलिए इंपोर्टेंट बन गया। ठीक है भाई, दिनेश बाना किस खेल से संबंधित हैं? बताएंगे भी दिनेश बाना किस खेल से संबंधित है? हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बताइए दिनेश बाना किस खेल से संबंधित है? दिनेश बाना कहां के रहने वाले हैं? दिनेश बाना की उपलब्धि बताइए। चलिए
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताते चलिए क्या रहेगा राइट आंसर साथियों। याद रखिएगा दिनेश बाना क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। दिनेश बाना किस खेल के खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। दिनेश बाना हिसार से संबंध रखते हैं। दिनेश बाना हिसार से संबंध रखते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथियों हाल ही में भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। हाल ही में भारत देश ने, हमारे देश के नौजवान साथियों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है हाल ही में। और इसमें जीता किसने? भारत ने। और इंग्लैंड को हराया। किसे हराया भाई? इंग्लैंड को हराया। ठीक है भाई, भारत ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और भारत ने इंग्लैंड को हराया। प्यारे बच्चों अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करूं तो भारत 5 बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत 5 बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है। साथियों भारत कितनी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है? 5 बार। 5 बार भारत ने कब कब जीता है भाई? भारत ने 5 बार कब कब जीता है? तो 2000 के अंदर भाई, 2008 के अंदर भाई। 2000 में हमने ये वर्ल्ड कप जीता, 2008 में जीता, 2012 के अंदर जीता, 2018 के अंदर जीता और अब 2022 के अंदर जीत लिया। कितनी बार भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है? अंडर 19 वर्ल्ड कप तो कितनी बार जीत चुका है भाई? भारत जीत चुका है ये 5 बार। महाभारत काल में मुक्तेश्वर तीर्थ था, यह कहां पर स्थित है? बता दो, वेयर इज द मुक्तेश्वर तीर्थ सिचुएटेड ड्यूरिंग महाभारत पीरियड? कुरुक्षेत्रा, कैथल, करनाल, जींद। ठीक है भाई, महाभारत काल में मुक्तेश्वर तीर्थ कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद। महाभारत काल में मुक्तेश्वर तीर्थ कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल या जींद? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा? महाभारत काल का मुक्तेश्वर तीर्थ कैथल में। और आपने हाईवे के ऊपर देखा होगा मटोर गांव आता है, तो महाभारत कालीन मुक्तेश्वर तीर्थ प्यारे बच्चों कैथल के अंदर, मटोर गांव के अंदर स्थित है। ठीक है भाई, महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र कहां पर स्थित है? बताएंगे सभी बच्चे, महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र कहां पर स्थित है? बताइए साथियों, महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम में से कहां पर स्थित है? बताएंगे सभी बच्चे, महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र कहां पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र कहां पर है? रोहतक में। हिसार आंसर दे रहे हो ना, नलायको गलत है आपका। महाराजा अग्रसेन सामुदायिक केंद्र कहां पर है? रोहतक में। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर है? अग्रोहा में। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर है? अग्रोहा के अंदर। अग्रोहा कहां पर है? हिसार के अंदर। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? तो महाराजा